आए थे। हाँ तुम आए तो दूध तो उठे आई, क्योंकि देखो जब घर से कथा कान आए तब छुए जाए और जाए तब छुए जाए। सो ना आए अपा ही तो छपा। मेरा मतलब है, मेरा मतलब है नारी घर की गृहिणी होती है। और बताओ वैसे हमने हमारी कथा चल रही थी टावा में एक बार, तो हमने माँ जय बात कही थी। क्षमा करें हम दो मिनट लेते हैं। हमने माँ ये कह दिया कि हमने माताएं ऐसी कौन कौन सी हैं जो अपने पति के पैर छुओ करती। सो एक बड़ी बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बोली तो हुआ। हमने कही बताओ, कही जब बता कोई आदमी पाए छुबे लाइन हो तो का करे। ध्यान देना, कोई आदमी पाए छुबे लाइन हो तो का करे। तो हमने सोची ऐसी कब बात है, पाए छुबे लाइन हो, अरे न छुबे लाइन हो पाए धो ले तब छुई ले। तब तो उन्हें हमने समझाई दो। बाद में हमारे दिमाग में बात आई, हमने कही बात तो बड़ी बढ़िया है, कोई पाए छुबे लाए ना हुए तो का करे। क्योंकि हमारी माताएं बड़ी सीधी होती हैं, बहुत सज्जन होती हैं। एक आदमी की आदत पड़ी गई, आदत गाय की आदत पड़ी गई। और देखो आदत तो काऊ के पास सकते, आदत आदत काऊ के पास सकते है। तमाकू खेवे की आदत पच जाए, पान खेवे की आदत पच जाए, बीड़ी पीवे की आदत पच जाए, गुटका खेवे की आदत पच जाए, आदत तो काऊ की हो सकती है। और देखो गाड़ी जितनी पुरानी होगी कमजोर होगी, शरीर जितना पुराना होगा सामर्थ्य कम होगी, लेकिन परीक्षित जी आदत जितनी पुरानी हो तो उतनी मजबूत होते हैं। आदत आदत जितनी पुरानी हो उतनी मजबूत होती है। और मैंने देखा है तमाकू खाने वाले होए, गुटखा खाने वाले होए, पान खाने वाले होए, इन्हें कितनी अच्छी जगह बैठा दो जब भाई थूक दिए, जब बहुत बड़ी कमी होती है। कितनी अच्छी जगह बैठा दो जब थूक भाई दिए। अब हम एक मिनट लेते हैं, एक नेताजी की आदत पड़ी गई, क्षमा करें शोर नहीं करें, एक नेताजी की आदत पड़ गई पान खाएबे की। हाँ तो पान खाएबे की जब आदत पड़ गई, और ऐसे नेताजी रहे बहुत अकलाते थे बहुत। हाँ और जब तुम जानते हो अकले क्यों तरीका के होता है, माफ करें इस भीड़ में कोई अकले मतलब कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। नेताजी पान जैसा मैंने बताया ना, आदत हो सकती आदत काऊ की पच जाए, तमाकू खान वाले गुटखा खान वाले पान खान वाले, हैं फौजी भैया कितनी बढ़िया जगह बैठा दो भाई थूक दिए, है ना कमी होती है, कितनी अच्छी जगह बैठा दो। तो नेताजी पान खाए के और फिल्म देखने गए, और ऐसे नेताजी रे बहुत हकलाते थे। हाँ और जानते हो हकले क्यों तरीका के होता है, इन हकले के क्यों ब्रांड होता है, गैर पच जाए तो पच जाए और लटक जाए तो एक ही बात में घंटे। हकले क्यों तरह के होता है। एक मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे, मास्टर तो ऐसे थे जो बहुत हकलाते थे। हाँ सो मास्टर बोले बेटे थरे हो, लड़का खड़ा हो गया। अब मास्टर बोले परो, लड़का लेट गया। मास्टर बोले थूर कही के, अरे परो नहीं पढ़ो, मतलब पढ़ो।
तो देखो हकले कई तरह के होते, बोले पारो लड़का भी कोई बात कहने लगा। तो देखो अगले कई तरह के होते हैं, इनके क्या ब्रांड होता है। तो ऐसे नेताजी आप पान खाए के फिल्म देखने गए, अब फिल्म देखा जा रहे हो थूक जा रहे, जैसा मैंने कहा ना कितनी बढ़िया जगह बैठा दो भाई थूक देता है, अब फिल्म देखा जा रहे और पान खाए और थूक जा रहे। अब नेताजी बोल बताइए ये भी कोई फिल्म है, थूक जा रहे ये भी कोई फिल्म है। फिल्म तो हमारे जमाने में थी, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म, सुरैया की फिल्म, अकेला अमिताभ बच्चन 20 आदमी को मारे जा रहा अल्लाह का सब। और तब तक टिकट चेकर पहुंच गया, ए नेताजी यहां थूकना मना है। अब नेताजी बोले हां थूकना मना है, हम फिल्म देख गए यहां थूक के कहते थे मुंह पे। टिकट लेकर बोला अब की बार थूकोगे उठा के बाहर फेंक देंगे। नेताजी बोले फेंक दोगे हम फिर आ जाएंगे और फिल्म भी यही देखेंगे और थूके भी यही। पड़ोस में एक बड़ी बूढ़ी बुढ़िया बैठी है, नेताजी बोले माताजी अब तुम ही बताओ फिल्म देखेंगे या थूकेंगे क्या इसके मुंह पे। बुढ़िया बोली मनिया तक जेब में थूक दे। नेताजी बोले अच्छा किसी की जेब में थूकेंगे जूते नहीं पड़ेंगे। बुढ़िया बोली देखो पान तो बहु खाए गया हमने तब से थूक दूं कि तेरी जेब भर गई, तूने कितने जूता मल नहीं बता। बोलो गोविंद